अगला अध्याय षड्भवशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्भवशोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप में 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहते हैं। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मनाद तक भूमनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उसे वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त हैं। जो इस बात को ठीक ठाक नहीं जानता वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक व्याय भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्त व्यापक भाव को ठीक ठाक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सिर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को 4 दिशाओं में रखें और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि के ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशाय नाम नमः ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव अरोधाय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम कलश पर ओम यम सद्दोजातम नमः सद्दोजातम स्थापयामि कहकर सद्दोजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत करके पूर्णहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म से ओम होम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से 1-1 अंग की 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका 1 छोर शिष्य के शिखा के अग्र भाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे।
सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्र गुरु शांत्र मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम पटह मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूत्र त्रयमय पाश है, भोग और भोग्यत्व का लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांति अतीता आदि 5 कलाओं की जो आकाश आदि तत्व रूपणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। इसी तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति अतीते कालिये नमः, शांति कालिये नमः इत्यादि, अथवा आकाशादि के बीच भूत हम यम रम बम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों अक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति अतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल के उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ चरु उसे दें। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुह करके बैठे और मन हो उस दातुन के कोमल अग्रभाग के द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातुन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दातुन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया हो तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियां का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश को अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों की 3 रेखाएं खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दें। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताएं।